हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको जीके के लगातार तीनों वीडियो के नॉन स्टॉप दिए तो आपका बहुत ही अच्छा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आपने देखा तो है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तो, लेकिन मैं अब डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। मैं आपके लिए मैथ्स का वीडियो लेके आ गया हूँ फिर से, जिसके कुछ आंसर्स हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि सेट्स अलग अलग हैं, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ के फिर टैली कीजिए आपका कौन सा है। तो हमारे सेट में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। इफ़ द कॉस्ट प्राइज ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइज ऑफ 8 बुक्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 है, 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर 25% है। उसके बाद हम देखते हैं 72 वाले में a प्लस बी इक्वल टू 7 और ए बी इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना इसमें बहुत ही सरल है। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका सही आंसर है 25। उसके बाद हम 73 वाला देखेंगे, जिसमें इन द एग्जामिनेशन 94% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 33% स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मैनी स्टूडेंट अपियर इन द एग्जाम। एक परीक्षा में 94 छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो इसका सही आंसर है 550 जो है वो छात्र सम्मिलित हुए। उसके बाद 74 वाला है, द फॉलोइंग डाटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ द मीडियन ऑफ द मीडियन इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, 29, 32, 40, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 90। ये कुछ संख्याएं हैं, निम्नलिखित आंकड़ों में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यदि आंकड़ों की माध्यमिक 68 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, वो संख्या वही है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हमारा, इसका सही आंसर 62 है। फिर उसके बाद हम 75 क्वेश्चन पढ़ेंगे, द थ्री एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ट्रायंगल आर इक्वल एंड द फोर एंगल मेजर 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल एंगल। एक चतुर्भुज के तीन कोण समान है तथा दो चौथा चतुर्भुज 75 डिग्री का है, समान कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका थोड़ा सा परसेंटेज में गलत लिख गया है, इसको हटा के जो है वो डिग्री है। उसके बाद हमारा 76 क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, द नंबर बिकम्स 3/2, फाइंड द रेशनल नंबर। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 76 था हमारे सेट में, तो इसका आंसर सही है 7/7/15। उसके बाद क्वेश्चन 77 देख लेते हैं, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:7 है, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी ए अनुपात बी 3 है, जो कि संख्या है इसमें क्या बताएं हिंदी में, तो इसलिए इसका सही आंसर 9:12:14 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम 78 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द पैरामीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 24 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज की परिमाप 24 सेमी है, यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेमी है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है, इसका त्रिभुज का या वो है 24 आंसर है। उसके बाद 79 वाला जो है वो अभी डिस्कशन में चल रहा है, अभी उसका क्वेश्चन नहीं आया, जैसे ही आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कमेंट में। उसके बाद 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ अ सम ऑफ अ मनी प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स,
देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों से स्वयं का दोगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसकी ब्याज की वार्षिक दर 4% है, यही इसका सही आंसर है। उसके बाद हम 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग अस द फॉलोइंग विच इज ग्रेटर, 1/2 की पावर 1/2 और 1/3 की पावर 1/3, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसका सही है 1/2 की पावर 1/2, इसका सही आंसर है, वो एक ग्रेटर संख्या है। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 5 पावर x प्लस 1, हर की पावर x प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1, देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। संख्या आपको बता दी है तो x का घनात्मक ज्ञान कीजिए। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं आंसर नंबर क्वेश्चन 83। इफ द बेजिस ऑफ अ सिक्स मैन फॉर 15 डेज बी 21,000, देन फाइंड द वेजेस ऑफ 9 मैन एंड फॉर 12 डेज। अगर 6 मैन की 15 डेज की 2100 है, तो यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 है, तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर जो मजदूरी होगी वो 2520 होगी, यानी मतलब 2520। उसके बाद हम 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फैक्टराइज करना है नॉर्मल, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद 85 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड। एक 10 भुजा वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक ब्रह्मा कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इसका कोण का जो नाप पाएगा वो 36 डिग्री आएगा। उसके बाद हम 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 100 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। यदि एक संत चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो, तो संत चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर 9600 इसका है। उसके बाद 87 वाला एक क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। इफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4, ए बी इक्वल्स टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें हमें जो है, यदि ए माइनस बी इक्वल्स टू 4, ए बी इक्वल्स टू 21, ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 308 होगा। उसके बाद 88 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर ऑफ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। संख्या 569387 है, मैं से 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में कितना अंतर है, अंतर बताना है, सॉरी डिफरेंस, हाँ मैंने सही कहा था, डिफरेंस बताना है उसमें। तो इसका डिफरेंस जो है वो 8991 आ रहा है। उसके बाद 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की जीवा की दूरी है वो 9 है, इसका आंसर 9 है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 5, 1991 वॉज अ संडे, व्हाट वॉज द डे ऑफ, व्हाट वॉज द वीक ऑन द मार्च, व्हाट डे ऑफ द वीक, कौन सा दिन होगा वीक का ऑन मार्च 3rd 1992 को। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार है, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका सही आंसर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है 90 है। आपको, आपके लिए मैंने कुछ इमेजेस हैं जो कि इसमें डाल रखे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। इसमें 71 वाले में कुछ ऐसी है, आप पॉज करके देख सकते हैं।
इस वीडियो को, इसलिए मैं आपको इसके हिसाब से पूरा समय दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें सॉरी, इसमें थोड़ा सा जो कम है वो कर लेता हूँ, इसमें जूम ज़्यादा है, इससे कि जिससे कि कुछ आंसर्स क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, अब भी क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप क्लियरली दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन सही से नहीं आ रहे हैं, तो आप देख लेना। वैसे मैंने बोल दी है क्वेश्चंस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।